दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल हिंदी 24 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और पाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। गर्मियां आने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। सुबह शाम की हल्की ठंड और दिन में तेज धूप के चलते कॉलेज के बच्चों ने तो हाफ बाजू के कपड़े और शॉर्ट्स पहनने भी शुरू कर दिए हैं। गर्मियों में जब हम छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं और कोई कोहनी या घुटने के कालेपन को लेकर हमें टोक देता है तो हम शर्मिंदगी का विषय तो बनते ही है, साथ ही कई बार हमें हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। आमतौर पर महिलाओं और पुरुष दोनों में ही इस प्रकार की समस्या को देखा जाता है, क्योंकि यह समस्या एक आम समस्या है। कोहनियों पर कालापन वास्तव में मैल की परतें होती हैं। ठीक प्रकार से इनकी देखभाल न करने पर हमें ये अंजाम भुगतना पड़ता है। आज हम आपको कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। इन्हें आजमाकर आप कुछ ही दिनों में कालेपन की समस्या से हमेशा से लिए छुटकारा पा सकते हैं। शरीर में जोड़ों का कालापन कोई चौंकाने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले जोड़ों की स्किन थोड़ी मोटी होती है, जिसके चलते ये आसानी से काली हो जाती है। कोहनी और घुटनों के कालेपन के पीछे कई कारण हैं। जब डेड स्किन सेल्स कोहनी या घुटने पर जम जाती है तो ये काले हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम कोहनी और घुटनों को साफ करने की मंशा से ज्यादा रगड़ देते हैं, उसके बाद ये साफ होने के बजाय और भी काले पड़ जाते हैं। कोहनी और घुटनों पर अधिक बल रखने से भी ये काले होते हैं। कई लोग घुटनों के सहारे बैठकर घर में पोंछा या डस्टिंग करते हैं, जो कालेपन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जोड़ों का कालापन जेनेटिक समस्या भी हो सकती है ओवरवेट यानी कि हद से ज्यादा मोटापा या हद से ज्यादा पतला होने के कारण भी कोहनी और घुटनों के कालेपन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए हम जो नीचे प्रक्रिया बता रहे हैं उसे शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करें, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले खीरे की 2x4 स्लाइस बना लें। अब एक स्लाइस लें और इसे 10 सेकंड 15 मिनट तक प्रभावित अंग पर रगड़े। इसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें और अब ठंडे पानी से धोएं। अब दूसरी प्रक्रिया स्क्रब की है। स्क्रब करने के लिए एक कंटेनर में बेकिंग सोडा लें। अगर ये नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मात्रा दूध की शामिल करें। इन्हें मिक्स करें। अब इससे 5 मिनट तक कालीपन वाली जगह पर स्क्रब करें। आप स्क्रब के दौरान ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छी तरह साफ होगा। अब वाइटनिंग पैक बनाने के लिए 2 चम्मच प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन लेकर इन्हें आपस में अच्छी तरह मिक्स करें। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को डीप तक नॉरिश करता है और कालेपन को हटाता है। नींबू में 6% सिट्रिक एसिड है जो स्किन टोन को हल्का करता है। शहद एक नेचुरल ब्लीचिंग है और ये स्किन पोर्स को साफ और चमकदार बनाता है। बेसन एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है। ये चेहरे को साफ करने के साथ ही दाग धब्बे भी दूर करता है। इस पैक को 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। अब साफ पानी से धो लें। हमारा दावा है कि इस प्रक्रिया को 3 सेकंड 4 बार करने के बाद ही आपको कोहनी और घुटनों के कालेपन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।